निबंध लेखन। मेरा प्रिय कवि पर निबंध, बहुत ही सरल और आसान शब्दों में निबंध को लिखेंगे। प्रस्तावना। संसार में अनेक साहित्यकार हुए जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मेरे प्रिय कवि तुलसीदास है। यद्यपि तुलसीदास जी के काव्य में भक्ति भावना की प्रधानता है तथा इनका काव्य 100 वर्षों के बाद भी भारतीय जनमानस में रचा बसा हुआ है और उनका मार्गदर्शन कर रहा है, इसलिए तुलसीदास मेरे प्रिय कवि है। प्राय प्राचीन कवियों और लेखकों के जन्म के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती। तुलसीदास जी के विषय में भी ऐसा ही है, किंतु माना जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म संभवत 1590 में बांदा जिले में हुआ था। इनके ब्राह्मण माता पिता का नाम आत्मराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। इनके माता पिता ने इन्हें अशुभ मानकर जन्म लेने के बाद ही त्याग दिया था। गुरु नरसिंह दास ने इनको शिक्षा दी। इनका विवाह रत्नावली नाम की कन्या से हुआ था। इस महान कवि का देहांत संभवत 1680 में हुआ था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक महान काव्य की रचना की। इसके माध्यम से इन्होंने अपने प्रभु राम का चरित्र चित्रण किया। इनके अतिरिक्त इन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि ग्रंथों की भी रचना की, परंतु इनकी प्रसिद्ध का मुख्य आधार रामचरितमानस ही है। तो हम लोग का आज का टॉपिक मेरे प्रिय कवि पर निबंध। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।